नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस वोकल के वीडियो में आपको खरज का रियाज करना बताऊंगा कि खरज का रियाज कैसे करते हैं और खरज होता क्या है और प्रॉपर रियाज उसका कैसे करेंगे। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सिंगिंग हो या पियानो हो, कीबोर्ड हो, हारमोनियम, कुछ भी हो, हर एक लेसन का एक अपना अपना महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है। अलंकार के जरिए हमारी मुर्कियाँ गले में पैदा होती हैं, अच्छे से हम मुर्कियाँ ले सकते हैं, घुमा सकते हैं गले को आकार में और सरगम में भी। सा के जरिए हम अपना स्थिर कर सकते हैं सरगम के सुर को, और खरज के जरिए हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा डाउन जो नोट है वो अच्छा बेस बनेगा खुल के, और पिच जो है ऊपर का नोट वो भी खुलेगा। डाउन खरज मीन्स नीचे के साथ से भी नीचे जाना, मंद्र सप्तक लेफ्ट साइड, और पिच मतलब ऊपर के साइड तार सप्तक। तो देखते हैं, सी को यम सा बनाते हैं नीचे का, तो यहां से नीचे जाएंगे, शुद्ध नोट का प्रैक्टिस करेंगे। सा मैच करते हुए मिलाते हुए हम जितना लॉन्ग बोल सकते हैं बोलेंगे सा। सुर टूटना नहीं चाहिए उठाते टाइम और छोड़ते टाइम, खास तौर से नीचे जाएंगे। अब नी ऊपर का नी है तो ये नीचे आ जाए खरज का नी। ऊपर का धा ए, अब नीचे का धा आ जाएगा खरज में ए धा। अब जी नोट यानी के पा, तो नीचे का पा आ जाएगा। ये हो गया पा। अब जाएंगे नीचे मा पर, ऊपर का मा एफ नीचे का मा। तो जैसे जैसे नीचे नीचे होते जाएंगे हमारा सुर भी भारी होता जाएगा, यानी गला गले का बेस भी भारी होता बनता जाएगा। तो जितना ज़्यादा तो रोक सकते हैं उतना ज़्यादा ट्राई करेंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना है खरज का प्रैक्टिस करते टाइम, कि जहाँ पर आपका सुर कंफर्टेबल हो के प्रॉपर अच्छे से मैच हो रहा है वहीं तक प्रैक्टिस करें, उसको नीचे ले जाने की कोशिश न करें जब तक वो सुर प्रॉपर नहीं हो पाता है। यानी कि अगर माँ आपका ठीक लग रहा है लेकिन गा नहीं जा रहा, तो माँ को ही ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, फिर आपका धीरे धीरे नीचे के सुर भी खुलने लगेंगे। तो ये सरगम में भी और आकार में भी दोनों तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो आप समझ गए होंगे देख के आपके आके खरज का रियाज हम कैसे करेंगे।